सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स, ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, कलेक्टिव प्लस टाइमलेस होगी। कलेक्टिव यानी कि वो रीडिंग जो आपके सामने यूं ही नहीं आती, ये एंजल्स का आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स के समान होता है। यानी कि एंजल्स आपको किसी तरीके से अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हैं, आपके पार्टनर के बारे में बताना चाहते हैं, जिसपे आप अनजाने में नहीं उनकी इच्छा के अनुसार क्लिक कर लेते हो। ठीक है, सो कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है जिसमें हम आपके पार्टनर की आज की करंट ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। ठीक है, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगा। थीटा पे ध्यान नहीं देना है दोस्तों, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना है। और उसके अलावा रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि आपके लिए रिजोनेट करे। ठीक है, सो चलिए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं हम अपना काम। मैंने इससे पहले पिका कार्ड रीडिंग भी डाली है, अगर पिका कार्ड पसंद है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो वर्ड्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए। अगर आप सेटअप को लेकर परेशान हो रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया, तो आपको अच्छे से पता होगा कि दीदी को बार बार अपना सेटअप बदलते रहने की आदत है। दीदी बोर हो जाती है जल्दी से एक ही सेटअप से। वर्ड्स बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स। अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान करो, अच्छे से मतलब मीन एकदम डीप, लेकिन कोई पुरानी याद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो कि कोई भी पुरानी याद नहीं होनी चाहिए या पुराना कोई मेमोरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा ना, पुरानी हो गई तो वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। आपको पिछली याद में नहीं जाना है, आपको उस याद में जाना है जो अभी बन सकती है, जो न्यू बन सकती है। अपने पार्टनर का फेस याद करना अगर बहुत मुश्किल लगता है तो ऐसे में आप उनका नाम मनी मन बार बार दोहराएं, क्योंकि कभी कभी नाम दोहराने से भी बात बन जाती है। आप इंटेंशन सेट कर लेते हैं, और जिसका एक मिनट हम है एसी सेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों एसी नहीं चल रही है। एनीवेज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एसी अपने लिए नहीं चलाना पड़ता है, कैमरा के लिए चलाना पड़ता है, नहीं तो मेरी कैमरा हीट पकड़ लेती है और फिर कैमरा बंद हो जाता है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें इनके पार्टनर इनके बारे में आज करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट ट्रू डीप फीलिंग्स बताएं, ट्रू डीप फीलिंग्स। ओके, मैंने आज फिर से अपने कार्ड्स को उल्टा पकड़ लिया है, कभी कभी मैं कर देती हूँ। पास्ट लाइफ्स, ओके, लेटिंग गो, गाइडेंस इन अ वॉइस, ओके, क्लिंजिंग टू द पास्ट, अवेयरनेस, वी आर द वर्ल्ड, इनोसेंस। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो काफी स्ट्रांगली, मुझे उनके ओके मैं बॉटम ऑफ द डेक देख रही थी, बॉटम ऑफ द डेक भी ओपन ही कर देती हूँ अगर देखा ही है मैंने तो, थंडर बोल्ट है। ओके, सो आपके पार्टनर जो साइन के हो सकते हैं वो काफी स्ट्रांगली मुझे, एक मिनट है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी वाले दिखे हैं और काफी स्ट्रांगली टॉरस एनर्जी भी दिख रहे हैं। ठीक है, टॉरस वृषभ राशि, कुछ लोगों के लिए मुझे जेमिनी राशि मिल रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ओके वेट हाँ कुछ लोगों के लिए एक्यूरियस मिली है। ये साइंस हो सकते हैं आपके पार्टनर के, वर्गो है, लियो है, ओके इनमें से कोई साइन आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, मैं इतना इसलिए डीप में चेक कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ और भी साइंस में निकल सकते हैं तो और निकालेंगे। सो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आजकल आपको बहुत ज्यादा मिस करने लगे हैं, पुरानी कोई बात उनके मन में बहुत बुरी तरह से घेरा बनाती नजर आ रही है, यानी कि कोई पुराना मोमेंट है जो इनके दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है और बार बार इनको उसके कारण आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, ये बहुत ज्यादा आपको मिस करने लगे हैं। पुरानी कोई ऐसी कोई मेमोरी है जिसमें आपने इनको कुछ ऐसा कह दिया था जो इनको बहुत हर्ट कर गया था। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मेमोरी कोई अच्छी मेमोरी नहीं है, कोई ऐसी मेमोरी है जिसमें ये बहुत हर्ट हुए थे, जिसमें ये आपके बिहेवियर को देखकर ऐसा सोचने लगे कि आप जैसे सडनली बहुत बदल गए हैं, आपके आपके बिहेवियर से ये उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आपके पार्टनर जो है, चाहे हो ना हो, चाहे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो चाहे कॉन्टैक्ट हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर चिंतित बहुत रहते हैं। कई बार उनके मन में रहता है कि जहां पर वो आपको लेकर इनसिक्योर होकर बार बार चेकआउट करते हैं, स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारियां लेते हैं, आपके लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है वो अलग अलग फेक अकाउंट बना बना कर चेक करते हैं। और मुझे स्पेशली अभी भी ये दिखाई दे रहा है कि किसी चीज को लेकर वो काफी ज्यादा पजेसिव हो गए, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके हाथ से दिन ब दिन निकलते चले जा रहे हो और चीजों को अब ठीक कर पाना नामुमकिन हो गया है। कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में ऐसा लग रहा है कि जैसे सडनली कुछ बदल गया है, सडनली जैसे किसी तरह का या तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है या सडनली कुछ ऐसे इंसान का बोलते ना किसी ऐसी सच्चाई सामने आई है जो इनके लिए शॉकिंग है
और उसके कारण ये आपको और ज्यादा मिस करने लगे हैं, और ज्यादा इनको आपका ध्यान आने लगा है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हुए हैं। पहले इससे पहले की बात अगर मैं कहूँ तो दूसरों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं, दूसरों की बातों में आए हैं, और उसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव और गैप आया है। आपने ट्राई जरूर किया इस पर्सन को बातें समझाने की कोशिश की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप दोनों के डिफरेंसेस का कारण आप दोनों नहीं कोई और है, बट ये बातें उन्होंने सुनी अनसुनी की है। बट उसका रियलाइजेशन अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो रहा है कि जहाँ पे उनको लग रहा है कि उस वक्त इनको आपकी सुन लेनी चाहिए थी, यानी कि उस वक्त उनको आपके आप जो बोल रहे थे वो राइट बोल रहे थे, उस वक्त इनको आप पे विश्वास करना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईगो लेवल अभी भी हाई है। ईगो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ईगो को लेट गो नहीं कर रहे, अभी भी इनके दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मेरे को क्या जरूरी है, मेरे को नहीं जाना है, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है, तो मुझे क्यों उसके पास जाना चाहिए, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पे खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं और ईगो अभी भी है। उनको लग रहा है कि अगर वो खुद होकर आ गए तो ये आपके सामने कोई बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, बहुत बुरा कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और आप शायद इसके बाद इनको बहुत ज्यादा सुना सुना के मार दोगे, या तो बाद में आप ऐसे कुछ बिहेव करोगे जिससे इनको दुख हो सकता है, जिसके कारण ये व्यक्ति आपके पास जो है खुद होकर आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे खुद को कंट्रोल कर रहा है। आपके पार्टनर मुझे काफी स्ट्रांगली ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि अपने पास्ट से जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आपको और ज्यादा याद करने लगेंगे। धीरे धीरे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी जिंदगी में खुद को आइसोलेट करने पर तुल गए, यानी कि अकेला कर रहे हैं, लोगों से ज्यादा बातचीत करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, दोस्तों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लग रहा, या काम पे जाने का मन नहीं करता। इस तरीके की एक एनर्जी है जहां पे मैं कह सकती हूँ कि वो अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रेस्ड है, एग्जॉस्टेड है, बट बाहर लोगों को खुलकर बता नहीं पा रहे हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मन में बहुत सारी तकलीफ है लेकिन सामने बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे, जैसे मन में बहुत सारा दुख लेके घूम रहे हैं, उसका बोझ लेके घूम रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि चीजों को ठीक कैसे करना है या अपनी लाइफ में खुद को हील कैसे करें, कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। बिकॉज अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत लंबे समय से खुद को नॉर्मल नहीं फील कर पा रहे, उनको लग रहा है उनकी जिंदगी में जैसे बहुत कुछ बदल गया है, कुछ ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। उनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि वो बहुत डिफेंसिव भी हैं, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं और सेफ चलने की कोशिश करते हैं। हर चीज में मैनिपुलेशन जो है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बातों को तोल मरोड़ कर पेश करना या घुमा घुमा कर सीधे सीधे बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, हमेशा घुमा घुमा कर बोलते हैं, या जैसे कि एक हाय भी भेज देंगे तो मतलब होता ना कि हाय या मैसेज कर देंगे एकदम से कि हाय भेज दिया, तो उसके बाद भी वेट करेंगे कि आप ही 50 मैसेजेस करें, खुद से ज्यादा इनिशिएट ना करें। मतलब इतना स्वाभिमान, इतना ईगो, इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं जहां पे चीजें और बिगड़ रही हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपसे लव जरूर चाहते हैं, आपको लेकर आज भी उनके अंदर पैशन जिंदा है, आज भी उनके अंदर क्रेज है, लेकिन उनको लगता है कि अब आपकी जिंदगी और इनकी जिंदगी में जो हुआ है उसे ठीक कर पाना या उसे वापस सवार पाना नामुमकिन है। चीजें अब दोबारा वापस पहले जैसी नहीं हो सकती, पहले जैसा सब कुछ बेहतर करना नामुमकिन है, और उनको लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों का रीयूनियन जो वो चाहते हैं, वो स्ट्रांगली खुद भी चाहते हैं, उसको करने के बाद भी आप दोनों अब पहले जैसा नहीं फील कर पाओगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे सेपरेशन बहुत ज्यादा आ चुका है, गैप आ गई है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे या अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाएगी, ऐसा उन्हें लगता है। ये आपके पार्टनर आपको सोचते जरूर है और काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत लंबे समय से या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए हैं अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, अपने आसपास के लोगों से, और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं सोलो ट्रिप पे जाना चाहते हैं या कहीं घूमना चाहते हैं ताकि इनका माइंड दोबारा स्टेबल हो सके, क्योंकि मन बहुत अशांत दिखाई दे रहा है, माइंड जैसे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज की क्लैरिटी नहीं ला पा रहा है, मन बहुत ज्यादा इनका ऐसा हो चुका है जहां पे कह सकते हैं कि एंजाइटी या स्ट्रेस इनको फील हो रहा है। ये आपको दिन ब दिन ज्यादा प्यार करने लगे हैं, दिन ब दिन आपके लिए इनके मन में भावनाएं बढ़ रही है, बट इनका ईगो इनको इतना कंट्रोल में करता है जिसके कारण ये उठकर खुद से सामने आते नहीं है। ये बेसिकली अपने आप को बहुत ज्यादा बोलते ना होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इनिशिएट करने की जरूरत नहीं, जो होगा अगर भगवान की मर्जी होगी तो हम दोनों एक हो जाएंगे वरना नहीं होंगे, मुझे एफर्ट नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़े हो और इनके कारण अभी अपनी जिंदगी मतलब बोलते ना अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी में आकर अब आपकी लाइफ को इनको खराब करने का अधिकार नहीं है इसीलिए। और दूसरा इनको ये भी लग रहा है कि अब आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब आप इनकी इज्जत नहीं करेंगे, अगर ये आपकी जिंदगी में आ गए तो अब आप इनको पहले जैसा नहीं मानेंगे, जैसे पहले आप इनकी सेवा करते थे या प्यार करते थे या जितनी इज्जत करते थे अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह चीजें बिगड़ी हैं उसके बाद आप दोनों के मन में या दोनों की नजरों में एक दूसरे की रिस्पेक्ट शायद कम पड़ गई है, जिसके कारण आप दोनों रीयूनाइट करके भी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, नहीं हंस पाएंगे, जिसके
कारण आपके पार्टनर जो है कोई इनिशिएटिव या कोई भी स्टेप लेते हुए नजर ही नहीं आ रहे, ठीक है। सो अब और डीप लेवल पे लेके जाते हैं, वर्ड्स मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन को क्लारिफाई करें। पास्ट लाइफ कनेक्शन है वैसे आप लोगों का, हाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन को क्लारिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के चलते में ही आपके साथ सब कुछ बिगाड़ दिया। आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था और डिवाइन ने ये कनेक्शन को बनाया था, यानी कि ईश्वर की मर्जी से ये कनेक्शन बना था, भगवान की मर्जी से बना था, और उसमें गैप थर्ड पार्टी के कारण आया। और मुझे सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, मुझे अनेक लोग दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है इनकी पूरी फैमिली की फैमिली या आपकी फैमिली बीच में इन्वॉल्व हुई है, या हो सकता है इनके दोस्त भी इन्वॉल्व थे भड़का भड़की में, कान भरने में। सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं थी, और भी बहुत लोग थे जिसके कारण बहुत ज्यादा मैस हुआ। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा चीटिंग करते थे आपके अलावा, और अनेक लोगों के साथ उठते बैठते थे, जिसके कारण भी आप दोनों के बीच में पूरी पूरी खिचड़ी पक गई, सब कुछ खराब हुआ। और ये कनेक्शन जितना डिवाइनली, जितना प्योर था, जितना स्पिरिचुअल था, उस कनेक्शन में जैसे कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजें घुस गई हैं उसके पास, बहुत ज्यादा गलत लोग आए हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट के कारण ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, जिसमें अब पहले वाला चार्म या शाइन या ग्लो रहा ही नहीं। यानी कि जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रहती थी, वो फीलिंग्स भी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। लेटिंग गो, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, लेटिंग गो। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी जिंदगी में ये पुराना चैप्टर क्लोज करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग। आपके साथ नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके साथ, क्योंकि हर चीज आपसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मैं रूट नहीं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो सच है। एक आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि दीदी को घुमा घुमा कर बोलना आता नहीं, दीदी सीधे से बोलेगी। इनको शुरुआत अपनी जिंदगी की करनी है, इनको लग रहा है कि ये चैप्टर में अब कुछ भी नहीं रहा, ये लाइफ का एक ऐसा अध्याय था जो बहुत ब्यूटीफुल भी था, बहुत सुंदर भी था, बट इसका क्लोज हो जाना ही सही है। इसको वापस शुरू करना सब कुछ खराब करने बराबर होगा। जो चीज पीछे छूट गई उसे हमें पीछे ही रखना चाहिए, अब नई शुरुआत करनी चाहिए, नए अध्याय नए चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए। ये इनकी सोच है, इन्हें लग रहा है कि जिस गली जाना नहीं उसके बारे में सोचना क्यों है, पर ये ना चाहते हुए भी जितना हो सके उन चीजों को होल्ड कर रहे हैं और जैसे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जी भी सेम ही होगी, आप भी लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बट ये सेम एनर्जी से ये भी गुजर रहे हैं। यूनिवर्स गाइडेंस का कार्ड क्लारिफाई करें। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी गेन कर रहे हैं और खुद को सेल्फ लव या खुद बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अपनी लाइफ को जीने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, दोबारा हंसने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में काम को पूरी खुशी से और पूरे मन के साथ कर सके, काम को जबरदस्ती ना करे ऐसे, क्योंकि उनका मन कहीं लग नहीं रहा है बहुत लंबे टाइम से। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी भी चीज में उनको कोई खुशी या किसी चीज का एक्साइटमेंट नहीं फील हो रहा है, इसीलिए वो अब इनिशिएट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में वो चीजों को थोड़ा सा एक्टिव पोजिशन में, एनर्जेटिक पोजिशन में ले आए। यूनिवर्स इनर वॉइस की एनर्जी को क्लारिफाई करें। बेसिकली वो एफर्ट डाल रहे हैं अपनी लाइफ को दोबारा पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोबारा हंसना चाहते हैं, वो दोबारा अपने आप को फील करना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि उनका वजूद कहीं खो गया और वो अब दोबारा कभी हंस नहीं पाएंगे। इनर वॉइस का कार्ड क्लारिफाई करें प्लीज। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा उनका एक मन ये कहता है कि वो आपके पास जल्द से जल्द आए और आपको गले लगाए, आपको किस करें, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और दूसरा ही मन उनको ये कहता है कि नहीं यार तुझे इससे दूर रहना चाहिए, ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ी मुश्किल से चीजें क्लियर हुई है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ ठीक होगा, अगर तुम अकेले चलोगे लाइफ अच्छी हो सकती है। मतलब ऐसे ऐसे चीजें सोच रहे हैं जहां पे एक पल उनको आपकी याद आती है, दूसरे ही पल वो सोचते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं जाना चाहिए, ये बेवकूफी हो सकती है, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो तुमसे वैसे लव नहीं करेंगे जैसे करते हैं, फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, आप दोनों के बीच में सब कुछ खराब हो जाएगा। ये एनर्जी के कारण मतलब एक कश्मकश है, एक उलझन है जो उनको मन, उनके अंतर मन में ना बहुत सारी बातें चल रही है, जिससे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उसको इस गली जाना है या इस गली। यहाँ पर दो रास्ते हैं, यहाँ पे एक तरफ आप खड़े हो और दूसरी तरफ कोई नहीं, शायद वो अकेले चलेंगे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अकेले चले। एक पल वो अकेले चलते हैं, फिर उनको आपकी याद आती है, आपको देखते हैं, तो फिर से उनको लगता है अकेले चलना ज्यादा बेहतर है। नहीं, आप में कोई खोट नहीं है, बस दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो प्यार हुआ करता था, जो चीजें हुआ करती थी, अब शायद वो बात बनेगी नहीं। उनको लगता है कि सब कुछ खराब हो चुका है। यूनिवर्स क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को याद आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ झूठ बोला और आपको चीट किया है। इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जो इनको नहीं करना चाहिए था,
चीटिंग के रिलेटेड है, हो सकता है ये चीटिंग आपने की इनके साथ, लेकिन दोनों में से किसी ने एक ने किसी एक ने बेवफाई जरूर की है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है या ये आपकी हो सकती है। हो सकता है ये झूठ और ये मैनिपुलेशन आपने किया था इनको किसी बात से, जो है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए थी वो आपने छुपाई थी। और ये काफी स्ट्रांगली हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे थे, आपके होते हुए अनेक लोगों से बात कर रहे थे और कनेक्टेड थे, या दूसरी की बातों में आ रहे थे और आपको ऐसे दिखा रहे थे मानो आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जबकि प्रॉब्लम शुरू से ही चालू हो चुकी थी। और ये चीजें उनको याद आ रही कि उन्होंने आपके साथ गलत कैसे किया था, कैसे उन्होंने चीजें बिगाड़ी थी और कैसे उनके हाथ से सब कुछ खराब हुआ था और वो इस चीज को रिग्रेट करने लगे। अवेयरनेस का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव हो सके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे फोकस्ड है, कई हद तक अपनी जिंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश है, बहुत ज्यादा अपने आप को जैसे पेशेंस या धैर्य देने की कोशिश कर रहे हैं, सबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुद को कंट्रोल करने की। मैंने कहा ना, वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो आपके पास ना आए, वो खुद को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से हर पैतरा आजमा रहे हैं और खुद को बिजी भी रखते हैं या खुद को काफी हद तक स्पिरिचुअली लेवल पे एक्टिव रखते हैं ताकि वो आपसे रिलीज हो सके। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कंटिन्यू तप पे या मेडिटेशन पे बैठ गए, नहीं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि हो सकता है ये नेचर में ज्यादा बैठने लगे हैं, चिड़ियाओं के इर्द गिर्द या घास में ज्यादा बैठ रहे हैं, या कहीं ऐसे लाइक जा रहे हैं, कहीं गोल्फ खेल रहे हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लाइक घूमना फिरना कर रहे हैं, एक गांव जा रहे हैं, कुछ ना कुछ लाइक लाइफ को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं और उससे अवेकनिंग यानी कि जो वो चीजें कर रहे हैं जिससे उनको एक पॉजिटिवनेस और एक सेटिस्फेक्शन और एक हैप्पी लाइक पीस ऑफ माइंड मिल सके, वो कोशिशें कर रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर है, उनको लगता है कि ये चैप्टर जरूर क्लोज हुआ है, शायद ये सब चीजें अब खत्म हो गई हैं, बट आज भी इनको ये बात परेशान करती है कि आपकी जिंदगी में कहीं कोई आ तो नहीं है, कोई और तो नहीं है जो आपकी जिंदगी में बहुत स्पेशल हो चुका है, आप किसी और को आजकल इंपॉर्टेंस तो नहीं देने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी जिंदगी में ना होने के चक्कर में आपने बहुत तुरंत अपनी जिंदगी के ऐसे फैसले लिए और किसी और को आने दिया अपनी जिंदगी में, इनके ही जैसे किसी और को आपने पूछना शुरू कर दिया है। बेसिकली इनको डर इस बात का और इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप किसी और के तो नहीं हो जाएंगे, और इसलिए ये इस रिश्ते में ये सक्सेस चाहते हैं, ये बहुत जलस होते हैं, बेसिकली ये सोचकर भी इनको जलसी हो जाती है कि आप किसी और के कैसे हो सकते हो। यूनिवर्स इनोसेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें, इनोसेंस का कार्ड क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा आप पता नहीं बोलते ना कि चोर जब ऐसी बातें करें तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन उनको लगता है कि कहीं कोई तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में आपको चोट ना दे जाए, कहीं कोई तकलीफ ना दे, कहीं दूसरा कोई हो आपको चीट ना करे, कहीं आपका कोई फायदा ना उठा ले, क्योंकि आप बहुत भोले हो, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत केयरिंग लविंग और गिविंग हो, कहीं किसी और ने आपका फायदा उठा दिया, आपको चोट लग गई तो कैसे चलेगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पता हो ना, सोचो ना, चोर खुद आपके घर में चोरी कर चला जा चुका है और अब उसको इस बात का टेंशन है कहीं कोई दूसरा चोर आकर चोरी तो नहीं कर लेगा, बाबा ये तो बहुत रोएगी, ये तो बहुत रोएगा, वो वाली दिक्कत दिखाई दे रही है जहां पर खुद चोर चोरी करके भी उल्टा ये परेशानी में है कि अरे कोई और चोरी करा तो भाई ये तो रोएगी, अरे मैंने चोरी की, चल जाता है। सो बेसिकली इनको टेंशन इस बात का है कि आप हर्ट हो जाएंगे, इनको लग रहा है या तो आप तीसरे व्यक्ति से हर्ट होंगे या थर्ड पार्टी के कारण हर्ट होंगे, थर्ड पार्टी या तो आपको हर्ट कर देगी या आप थर्ड पार्टी के कारण बोलते ना किसी ऐसे सिनेरियो में चले जाएंगे जहां पर आप जो है लाइक होता ना कि पास्ट को सोचकर या थर्ड पार्टी को सोचकर इनकी जिंदगी में होते हुए बहुत हर्ट होंगे, लाइक ये अगर रिकनसाइल कर गए तो हो सकता है थर्ड पार्टी की कोई बात या इनसिक्योरिटीज आपको परेशान करे, इसीलिए भी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये इजी नहीं होगा, ये आपको बहुत तकलीफ पहुंचाएगा, इसीलिए ये आपसे जो है दूरी बना रहे हैं। यूनिवर्स थंडर बोल्ट का कार्ड क्लैरिफाई करें। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, यस, ऐसा लग रहा है पास्ट जैसा कुछ भी नहीं है, पास जैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बदल रहा है आप दोनों के बीच में, आप बदल गए, आपके पार्टनर बदल गए, आप दोनों के रिश्ते के बीच की जो चीजें हुआ करती थी वो अब पहले जैसी नहीं रही, वो कंपैटिबिलिटी या वो एक दिन एक लेवल का ट्रस्ट नहीं रहा, चीजें बहुत अलग हो गई हैं और उनको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में कुछ भी ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, अब शायद चीजें ठीक होना नामुमकिन है क्योंकि इनको लगता है इन्होंने देर कर दी और चीजें अपने हाथों से खुद खराब की हैं, झूठ बोलकर मैनिपुलेशन करके, जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सो बेसिकली ये उनकी आज की फीलिंग है, जैसे जन्म जन्मांतर की फीलिंग मत समझ लेना कि अरे ओ गॉड अब तो ये आएगा ही नहीं, अरे अभी तो कुछ ठीक होगा ही नहीं, ये उनकी आज की फीलिंग्स है जिसमें वो ये सोचते हैं कि यार शायद अब मैंने बहुत देर कर दी है, चीजें खराब हो गई हैं, अब शायद मैं कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा, जो गया अब मेरे हाथ से छूट चुका है, मैंने बेवकूफियां कर दी है।
तो बेसिकली उनको रिग्रेट होना, रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है. ठीक है, अब मैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस निकालती हूँ. सॉरी मुझे उठना पड़ा, वेट. आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस चेक करते हैं कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स, और स्टॉक कर रहे हैं भारी मात्रा में, काफी ज्यादा तादाद में आपको स्टॉक किया जा रहा है. यूनिवर्स मुझे गाइड करे क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर इनको. यार बड़े कार्ड्स हैं वैसे एक्चुअली, इनकी साइज थोड़ी डिफरेंट है तो शफल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है. न्यू है वैसे, पूजा वूजा हो गई. यूनिवर्स गाइड करे क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से. फेवरेट प्लेस इन ऑल द वर्ल्ड इज नेक्स्ट टू यू माई लव. ये आपके बगल में बैठना, आपके बगल में सोना पसंद करते हैं. ये इनकी फेवरेट प्लेस है. जब आप इनके आसपास होते हैं तो इनको लगता है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. नथिंग कैन स्टॉप मी फ्रॉम लविंग यू. कोई भी इंसान, कोई भी चीज आपके तरफ इनका खिंचाव लाने में लाइक इनको कंट्रोल नहीं कर सकती. आप चाहे मोटे हो जाओ, आप चाहे पतले हो जाओ, आप शायद अजीब से दिखो, लेकिन इनको आप पे हमेशा प्यार रहेगा ही. ये प्यार अमर है, ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा. आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन डिफाइन. फीलिंग कैन एक्सप्रेस एंड थॉट कैन इमेजिन. तो ये आपको शब्दों में नहीं बता सकते कि आपसे कितना प्यार करते हैं. ये कभी आपको दिखा भी नहीं सकते, शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है इनको आपसे. You complete me. आप इन्हें complete करते हो, आप इनको पूर्णता का एहसास करवाते हो, आप इनको एक बोलते ना satisfaction दे पाते हो. I choose you. My whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to the lifelong love letter. Okay. So ये आपको चुनते हैं अपनी जिंदगी में, जिसमें इनको लगता है कि इनका दिल अगर किसी का पूरी तरह होना चाहिए तो वो सिर्फ आपका है, उस पे पूरा हक आपका है. आपके अलावा उस दिल पे किसी और का हक कभी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये उनको लगता है कि आप उनके लिए इतने ज़्यादा स्पेशल हो, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो, और ये आपको ये कभी सिर्फ शब्दों में बयां नहीं कर सकते, सिर्फ इस तरह लाइक एक्सप्रेस करके भी नहीं बता सकते, इतने आप उनके लिए मायने रखते हो. सो ये थी आप लोगों की रीडिंग. उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई. मस्त वाला लाइक चिपका डालो, जल्दी से कमेंट कर दो आई क्लेम दिस एनर्जी. थैंक यू यूनिवर्स. उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे कोर्सेज सीखने हैं, कोर्सेज के लिए वेबसाइट लिंक और फ्री रीडिंग्स के लिए वेबसाइट लिंक मैंने दे दी है. और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग जो कर रहे हैं मेरे बिहाफ पे, मेरी सिस्टर कर रहे हैं, और वो उसके लिए भी नंबर दे दिया गया है. गहना नाम है उनका, वो भी अच्छे रीडिंग करते हैं. पर्सनल रीडिंग के लिए मैं पर्सनली अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए मेरी सिस्टर मेरे बिहाफ पे रीडिंग कर रही हैं. उनके भी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए उनको मैंने अप्रोच किया था. अब मेरे बिहाफ पे वो रीडिंग कर रहे हैं काफी कम बजट में. सो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं. व्हाट्सअप करना है आपको, कॉल नहीं करना है. ठीक है, और उसके अलावा यस, फ्री नहीं होती वो रीडिंग्स, वो चार्जेबल होती हैं. और उसके अलावा जो है, अगर आपको ब्रेसलेट बनवाना है हीलिंग पर्पज या किसी भी पर्पज के लिए, तो अमित भैया को कॉन्टैक्ट करें. अमित भैया का नंबर जो है डाला है मैं वीडियो पे, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उन्हें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए डिजाइन करवा सकते हैं. उसके अलावा क्या बचा, इंस्टाग्राम पे जल्दी से आ जाओ. एवरी संडे वीकली जो है मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, कहीं मिस ना कर दो यार. आप लोग वीकली कैसा रहेगा एरीज राशि टॉरस राशि वालों के लिए, सब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. मिस मत करो, जल्दी से पहुंचो वहां पर. अकाउंट का जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो अभी के लिए मैं चलती हूँ. अभी के लिए इतना ही. अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें. बाय, टेक केयर. ओम साई राम.